शीशे में उतारना कोई तुमसे सीखे। कैसी हैं आप? फिर से कहूंगी बहुत प्यारी। मुझे बस एक आसान करें कि मुझ पे तर्स खाना बंद कर दें, बाकी मैं खुद देख लूं। घर में है तो फिर चाय मंगवाएं। हाँ, बिल्कुल, चाय अभी आने वाली है। यहाँ पे चार साल मैं आईबी में पढ़ता था, हर हफ्ते आके यहाँ पे फिल्म देखता था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक इमोशनल ओवरवेलमिंग मोमेंट है कि आज यहाँ पे आके मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर फराह, मेरे साथ मौजूद हैं परे हट लव की कास्ट। तो पहले हम बात करते हैं माया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फिर से कहूँगी बहुत प्यारी। वो तो आप हैं, बिल्कुल प्यारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही हमारे साथ परिशय हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और हमारे साथ हैंडसम हमारे हीरो भी हैं, मौजूद हैं शहरयार मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया इन लोगों ने टाइम दिया। और आप तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिल्म में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये बताइए कि फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ नया था? इस फिल्म में बहुत कुछ नया था जो मैं पिछली फिल्म में नहीं कर सकी थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर आसिम रजा हैं और शहरयार हैं मेरे साथ, परिशे है, जान रबास अहमद, तो इतनी मतलब अहमद अली भट्ट, या तो हमें सुबह हो जाएगी फिर। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है परे हट लव की, और ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और बस अब आप लोगों के सामने है, और इतना ये जो फैमिली है ये इतनी बढ़ गई है कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर फैल गई, इतना प्यार हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक जितना आपने जितनी मेहनत की है, एक साल पूरा और दिन रात एक किए, तो अब जब प्यार मिलता है तो हम भूल जाते हैं। अभी मैंने देखा, मैं यहाँ पे आई जब तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा बचा के निकाला जा रहा था, मगर लोग इनको छोड़ नहीं रहे थे। तो मुझे बताइए कि शहरयार, ये आप अपने पास रखिए, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल माइक मौजूद है, क्योंकि प्रेशर भी है, ये भी मुझे बताएंगे मेरे पास है। पर ये आप बहुत बहुत गलत काम करी है, मुझे माइक पकड़ा दिया आपने, मैं तो आधे घंटे तक बोलता रहूंगा। नहीं एक्चुअली बाकी नहीं पता ही नहीं, आप मैं बिल्कुल आपको सुनने आई हूँ और लोग आपको ही सुनना चाहते हैं, मैं तो बोलती रहूँगी। तो आप अब स्टार्ट हो जाइए। मूवी के बारे में मैंने देखा, लोगों ने देखा, माशाल्लाह आपकी और माया की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, और बड़ा अच्छा आप लोगों ने करेक्टर में जो रह के भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे ये बताइए, वैसे भी आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो उसमें कितना चैलेंज फेस करना पड़ा? स्पेशली बहुत बहुत चैलेंज फेस किया मैंने इसका, दोस्ती करने में बहुत मेहनत लगी है। ओके, बहुत मन्नतें मांगी, दुआएं की, बहुत दरबारों में प्लीज अल्लाह ये करवा दो काम। नहीं, आई थिंक माशाल्लाह रिहर्सल्स में अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी और वो फिल्म में आगे लेके चले। बट उसके अलावा जो प्यार मिला हमें जनरली इस केमिस्ट्री को लेके या पूरी फिल्म को लेके, अभी हम कैप्री सिनेमा में हैं माशाल्लाह, दिस जैसे फारूक साहब से भी बात भी हो रही थी, दिस इज़ वन ऑफ दोज सिनेमाज जो माशाल्लाह इतने सालों से हैं यहाँ पे। चार साल मैं आईबी में पढ़ता था, हर हफ्ते आके यहाँ पे फिल्म देखता था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक इमोशनल ओवरवेलमिंग मोमेंट है कि आज यहाँ पे आके मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा हूँ। एक्चुअली सिनेमा का मजा वही है जब सीटियाँ बजती हैं, क्लैपिंग होती है, सिनेमा तो वही है ना, तो पता चलता है जी कौन सा सीन हिट है, कौन सा कॉमेडी का सीन आपको अच्छा लगा। इसमें कॉमेडी भी है कहीं कहीं, बिल्कुल, बट साहब इतना हंसाया उन्होंने, इतना हंसाया तो उनको आप कैसे भूल सकती हैं। बट इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सारी केमिस्ट्री आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब यह है कि सारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत की, माया ने बहुत मेहनत की, और सबसे बढ़कर आसिम ने बहुत मेहनत की कि वो ये केमिस्ट्री सामने ला के दिखा सके सबको। सो मैं तो सारा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा। नहीं ऐसा नहीं है, एक्टर के अंदर भी बड़े सारी चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने देखा आपको ऐसे, ऑफ कोर्स मैंने देखा, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, स्पेशली आप लोग जो प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, काफ़ी प्रमोशन आप लोगों ने की, मगर मैं मुझे ऐसा शायद लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी मूवीज़, या अगर जैसे आपकी मूवी के दो सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त हैं, उसको शायद कम आप लोग प्रमोट कर रहे हैं या प्रमोशन कम करते हैं, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
यस हमने माइक वापस ले लिया टंटन आना हमारी बात वैसे तो आपको प्रोड्यूसर साहब से पूछनी चाहिए थी लेकिन आपने जैसे कहा कि दो सॉन्ग्स जिनका ऑलरेडी इतने मिलियन में इनके हमारे व्यूज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और उसकी प्रमोशन अभी हमने बाकी काम की है तो इतना प्यार हमें मिल रहा है क्योंकि हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. हम लोग जहाँ जाते थे लोग ऑलरेडी कहते थे हाय दिल बेचारा या फिर उसके अलावा एक पल जैसे जैसे गाने आते गए क्योंकि शहरयार का मानना और आसिम का ये था कि हम लोग आई थिंक हर हफ्ते एक गाना निकाल रहे थे. उसमें भी बड़ा एक स्ट्रैटेजी थी कि हमने कहा था कि जो प्रमोशंस होंगी उसमें भी एक नैरेटिव लेके चलेंगे. तो पहले हमने एक पल रिलीज किया जो कि एक हमारा ग्रैंड शादी नंबर है जो पहली शादी है फिल्म में परीक्षा की शादी नताशा की नताशा की शादी है बट दैट इज वो ट्रू फ्लेवर था बिकॉज उसमें सारी फैमिली थी परे हट लव की तो वो दिखाई. उसके बाद फिर हमने अगला किया बहकाना जो कि बिकॉज ये रोमांटिक फिल्म है जिसमें माया और मेरा किरदार जो है उसकी उसके रोमांस के ऊपर है तो अगली चीज़ हमने वो रिलीज़ की. फिर हमने हाय दिल रिलीज़ किया जो हर लड़के के दिल की आवाज़ है और मेरे कैरेक्टर की दिल की आवाज़ है. सो इवन गानों में हमने एक नैरेटिव अचीव करने की कोशिश की थी कहानी प्रमोशन में भी हम एक कहानी लेके चले थे. जो जो बात आपने पहले की कि उसको हमने सही से प्रमोट किया या नहीं किया गानों को सबसे मज़े की बात फरा मैं आपको ये बताऊं कि मुझे खुशी इस बात पे हुई कि अभी शादी सीज़न शुरू हो गया है एंड माशाल्लाह से हमारे पास इतनी वीडियोज़ आ रही हैं इतनी वीडियोज़ आ रही हैं लोग हाय दिल पे एक पल पे ये दो गाने इस साल के माशाल्लाह 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 शादी के एंथम बन गए हैं यू नो. और सो एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत ही है कि अगर शादी पर डांस हो रहा है. एक्चुअली लोगों का प्यार है ये आपके लिए. आपसे पूछेंगे जी आपको कैसा लगा मूवी में काम करके. तो इट वाज माय डेब्यू फिल्म तो बहुत मज़ा आया अम्मी के साथ भी. बाय द वे प्रिय अल्ताफ जिनकी मदर हैं वो इस फिल्म में भी इनकी अम्मा ही बनी है. हाँ तो आप ये सोचें कि वो क्या प्रेशर होगा या वो किस तरह से बताओ. अच्छा क्या लगा घर में और उसमें क्या फ़र्क लगा. नहीं ऐसा लगा कि हम घर पर ही हैं क्योंकि हम दोस्त हैं मैं और अम्मी बहुत हमारी फ्रेंडशिप ऐसी ही है बट शेहरयार आल्सो शेयर्ड. सो हम ये मज़े की बात यही कह रहे थे कि इनकी वालदा बनी हुई थी एंड माय फादर इन द फिल्म जो परे हट लव में मेरे फादर हैं मेरे असली फादर हैं मुनव्वर सिद्दीकी पापा वो लॉट ऑफ लव टू यू. तो क्योंकि यहाँ तो फैमिली की चीज़ वो शुरू हो गए आपकी फैमिली का कोई क्यों नहीं आया ज़रा जवाब दीजिए इस फिल्म में. आई थिंक ये जी एक मजाक था. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी ही इस फिल्म में थी शहरयार आसिम परिशे तो मेरे तो बहुत फैमिली मेंबर्स थे. मतलब ये देखेंगे ये नहीं 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 ऐसी बात नहीं मेरी फैमिली और मैं मतलब अभी हमारी जो प्रमोशन हो रही थी और अभी फिल्म के बाद हम जो प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को तो ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से रुक गई है थम गई है ज़िंदगी लेकिन अब सब इधर उधर हो गए सब बच्चे अपने नौकरियों पे चले गए अम्मा अब अपने अपने घरों में चले गए. अच्छा मुझे बताइए सबसे ज़बरदस्त आपका माया कौन सा सीन जो आपको बहुत अच्छा लगा इसमें जिसने आपको बड़ा बहुत यादगार सीन है. ओके वैसे तो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं आपका यादगार की पसंदीदा कह लें. अच्छा मेरे एक्चुअली दो सीन्स मैं कहूँगी. एक सीन जो मेरा शहरयार के साथ था जब ये आते हैं और आके कहते हैं कि सानिया मुझसे शादी कर लो वो सीन एक्चुअली मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि वो हमारी शूट का पहला दिन था और वो हमने बहुत एक इंटेंस सीन हमने उस दिन किया था. दूसरा सीन जिसमें मेरी फिल्म में जो मेरे नदीम साहब जो मेरे फादर बने हैं उनकी डेथ का वो सीन था और वो मेरे लिए करना आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल था क्योंकि मेरे खुद के फादर की डेथ और वो मैं ओके आई एम सॉरी आई वुड से जो जिस सीन की माया ने बात की है वो सीन मेरे लिए भी बहुत क्लोज मुझे बहुत करीबी है मेरे लेकिन हर एक्टर का एक डिफरेंट मेथड होता है काम करने का. तो जब मैंने वो सीन किया था तो मेरे लिए वो बहुत ट्रोमेटिक था सीन क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत पूरा दिन मैंने इनसे बात नहीं की थी किसी से बात नहीं की थी वो सीन करने से पहले तो जब वो सीन कर लिया था तो मैं इतना थक गया था. सो एक तरीके से अब जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं इन्जॉय भी करता हूँ बट उस दिन मेरे लिए वो बहुत मुश्किल सीन था. बट आई वुड से मेरा फेवरेट सीन जो था वो था जब ये मेरे पास ये वापस आती हैं और पगड़ी बांध रही होती हैं मेरी
वो मुझे बहुत मजे का सीन लगा था जब ये आपकी शादी में दोस्त बनने आती है कि जब मैं आई हूँ तुम्हारी दोस्त बनने सहेली बनने जब आती है वो सीन मेरे लिए बहुत मजे का था और उसकी कहानी मैं बताती हूँ वो आप बताइएगा बट मेरे मेरे फादर के साथ जो मेरे सीन्स थे वो बहुत मजे के थे बिकॉज वो एक डिफरेंट केमिस्ट्री है हम लोग रियल लाइफ में अगर सेट पर आप देखती तो बहुत दोस्तों जिस तरह से प्रिया और परिशे की है रिलेशनशिप हमारी भी बहुत दोस्तों वाली रिलेशनशिप है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप चेंज हो जाती है पहले वो मेरे फादर की तरह एक्ट करते थे सेट पे बिकॉज मैं प्रोड्यूसर था तो मैं एक्टर सीख गया था कि पापा आपने ख्याल नहीं रखा आप सो नहीं रहे आप ये नहीं कर रहे आप वो नहीं कर रहे तो देन बीइंग एबल टू हैव दैट रिलेशनशिप एंड देन एक्ट विद हिम सो दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल फॉर मी परिशे आप बताएं शेहयार के साथ बहुत सीन्स थे दैट आई रिमेम्बर लाइक आई रिमेम्बर के पहले दिन हम छत पे थे आई थिंक एंड वी हैड टू हग तो बार बार हम टकरा रहे थे ओ माय गॉड एक दूसरी सीन भी थी जो लाइक आई हैड टू किस शेहयार ऑन द चीक और ये एंड एक दफ़ा ये फाइल करप्ट हो गई थी तो हमें दूसरी बार करनी पड़ी फिर तीसरी बार करनी पड़ी डायलॉग होगा इनका इनके फादर के साथ और हिना आपा के साथ एक सीन था तो मैं वो नहीं कर सकती जो उन्होंने किया वो एक आसान सीन लगता है आप लोगों को लेकिन वो करना परफॉर्म करना सबसे मुश्किल है हमें वो एक बहुत खूबसूरत सीन था मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा एक्टर भी जब वो जाएगा वहाँ पर क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो वो अब कहते हैं ना कि आपको रोना भी आ जाता है आप हंसा भी लेते हो आप गुस्सा भी कर लेते हो पर आप खुद कैसे जा रहे हो वो बहुत मुश्किल काम है तो ये तो मैं उनको बार बार कहती हूँ तो अगर वो थोड़े से आप कुछ बोल सकते हैं तो उनकी अम्मा कौन उनकी परिशे ऐसे सोच के इनको माइक देने जरा हम भी सुनते हैं वो वाला डायलॉग चार लोग हैं आए आपने आराम से कैजुअली बात की और आप चले गए और आपने वो कर दिखाया कि बात भी हो गई दिल को भी लग गई प्यारे भी लग गए फैमिली भी नजर आ गई सब कुछ हो गया और वो कैसे हो गया जबरदस्त तो ये मैं इनसे सीख कर बात इनके लिए तालियां ही तालियां बहुत प्यार है जो सिनेमा में है अच्छा शेहरयार कोई डायलॉग तो बोल के बता दे अच्छा सा वैसे तो सारी डायलॉग्स अच्छे हैं आपके एक डायलॉग था जो हमारे फाइनल कट में नहीं था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मैं अपने फादर को कहता हूँ वो मुझे आके कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो कहता है मुझे बस एक आसान करें कि मुझ पर तरस खाना बंद कर दें बाकी मैं खुद देख लूँगा बस ये कह के वो निकल जाता है यो माय गॉड अच्छा माया मुझे एक बात थे अपना कोई डायलॉग बोल के बताएं ओके तो मेरा एक डायलॉग है जो मैं शेहरयार से ही कह इन्हीं के साथ काम किया मैंने बहुत ज़्यादा तो उसमें था कि शीशे में उतारना कोई तुमसे सीखे तो ये मुझे बहुत पसंद जब सानिया जाती है दिल तोड़ देता है शेहरयार फिर वो वापस आती है तो हाँ ये वाला अच्छा जी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया नहीं लगा पहली बार मिले हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं ऐसा लग रहा घर में बैठ के बात कर रहे हो बड़े ज़बरदस्त इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जब आप फिल्में करेंगे हम आपके साथ हैं घर में हैं तो फिर चाय मंगवाएं बिल्कुल चाय अभी आने वाली है ऑडियंस के लिए कोई मैसेज मांगा फिल्म हमारी लग गई है बहुत प्यार आप लोगों ने दे दिया है लेकिन इस प्यार का सिलसिला सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए ईद ख़त्म हो गई इसका मतलब ये नहीं कि खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं मोहब्बतें कायम रखें और इस प्यार को लंबी ज़िंदगी दें थैंक यू यस परी बस ये मैं कहना चाहूँगी आपने सब हमें इतना प्यार दिया है और जाएँ अपने फैमिलीज को ले जाएँ दूसरी बार देखें तीसरी बार देखें देखते जाएं। ये रोमांटिक मूवी है तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लेके जा सकते हैं बॉयफ्रेंड्स भी जा सकते हैं साथ
अपनी वाइफ्स को भी लेके जा सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी लेके जा सकते हैं। फैमिली जब जाए आपकी तो वो कहीं और बैठी हो और गर्लफ्रेंड आपकी कहीं और हो। अभी हाँ बीवी बीवी साथ हो। जी फरा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम कैप्री सिनेमा आए हुए थे कराची में, एंड हम बाहर निकले तो एक देयर वाज अ जेंटलमैन जिससे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अभी फिल्म पांचवी दफ़ा देख के निकला हूँ। नहीं, वो तो वो लड़का दूसरा था, एट्थ टाइम वो देख के निकले। इसी तरीके से एक और लड़का है, उसका नाम आई एम रियली सॉरी हमज़ा है, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, वो एक बहुत बड़ा फ़ैन है, उसने कोई आठवीं या नौवीं दफ़ा फिल्म देखी है। हम जहाँ जहाँ गए हैं वो आया है, उसने आके मुझे टिकट दिखा रखा है, मैंने फिल्म फिर से फिल्म देखी है। सो इस किस्म का जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं खुदा का तो शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम वेरी हम्बल्ड और बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ले रहा है। प्लीज़ ये प्यार को जारी रखें। मैं भी एज एन एक्टर एज ए प्रोड्यूसर कोशिश करूँगा कि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी फिल्में बनाता रहूँ और आप लोग भी आगे इस तरह से प्यार दिखाते रहें। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी है तो प्लीज़ बाहर निकल के चार लोगों को बताएँ, ट्वीट करें इसके बारे में, इसके बारे में फेसबुक पर लिखें, इंस्टाग्राम पर लिखें। ये हेल्प करेगा ना ही सिर्फ मुझे बट हमारी पूरे पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जिस तरह इन लोगों ने एक मैसेज दिया, मैं भी आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने भी ये मूवी देखी, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, फैमिली ने ये मूवी देखी है। ये मूवी वाकई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ये सारे लोग उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इन्होंने एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की है और वाकई ये हमारे असल में हीरो हैं और हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, हमें इन बताना चाहिए कि पाकिस्तान के एक्टर किसी से पीछे नहीं है और किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद।